अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। दिस इज़ आई मेकअप ट्यूटोरियल फॉर ईद। ईद के लिए गए, ईद के बाद तो उसके एक दो ट्यूटोरियल बनाते हैं, टाइम ही नहीं मिल रहा। बहुत सारे काम करने वाले हैं, पैकिंग वगैरह करने वाले हैं, सब कुछ, बहुत सारे काम करने वाले हैं। आज मौसम बाय द वे बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत बारिश हो रही है। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये यूज़ करेंगे मॉइस्चराइज़र, ठीक है? मैंने नव्या का यूज़ किया, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। वो मैंने लगा लिया था, वो स्किन प्रेप तो लाजमी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके बाद मेरे पास ये लॉरियल का प्राइमर, नोज़ एरिया और ये अंडर एरिया, यहाँ पे जहाँ पे आपके पोर्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पे आप यूज़ करें, ठीक है? क्योंकि मैं सिर्फ हाइस का मेकअप कर रही हूँ तो इसी साइड पर लगाऊँगी। ये मेरे पास है रिफ्लेक्स का वाटरप्रूफ कंसीलर, आपके पास जो है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अंडर आइज जिस डार्क सर्कल था ना, इसको छुपाएंगे और कान के ऊपर भी लगाएंगे, उसके ऊपर फिर हम लगाएंगे 45 नंबर की क्रेलॉन की वो है स्टिक। उसके बाद में इस पर यूज़ करूँगी ये काशीज़ की इवन टोन हाई कवरेज फाउंडेशन है। इसका क्लासिक आइवरी शेड है इसका 5। इसकी डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है? मैं ये सारा कुछ लगा के आपको दिखा दूँगी। इसका प्रेशर पॉइंट बहुत ज़्यादा पड़ता है। बहुत ज़्यादा नीचे मैं ये यूज़ कर रही हूँ काशीज़ की फाउंडेशन। लुक दैट फिनिश, कितनी डोई, बहुत सटल, बहुत मिंट। खुल जाओ प्लीज। इसका टेक्सचर बहुत मज़े का है, ठीक है? देखिए थोड़ा क्रीमी क्रीमी सा टच है इसका, देखिए हल्का हल्का सा बोल रहा है। हाँ, मेरे पास ये आईब्रो पैलेट है न्यू फैशन का, ठीक है? इसके टू शेड्स हैं जैसे जो होते हैं, एक ब्लैक है साथ में ब्राउनिश टच है इसका। ये बहुत ज़्यादा डार्क है, इसको थोड़ा लाइट करना हो तो आप इसमें पाउडर मिक्स कर सकते हैं। बहुत फुल ये होता है, ठीक है? इस पोली इसको मैं इसके कलर दिस लुक। मिलायो मेकअप पैलेट, अब देखें इसके 34 कलर हैं, रेंज है इसके अंदर, ठीक है? बुक की तरह ही इसके अंदर ग्लिटर्स भी हैं, सॉफ्ट शेड्स भी हैं, ऑल इन वन पैलेट है। मतलब आईब्रो के शेड्स हैं, ग्लिटर भी है, शिमर है, हाइलाइटर है और ब्लश ऑन के शेड्स भी हैं, ठीक है? देख लें कितने मज़े के फंकी कलर हैं। जिस तरह का कलर उसमें है बगैर शिमर के साथ शिमर का उसका, इसको हल्का सा गिला के अपनी आंखों पर लगाएंगे, बहुत मज़े का कलर आता है, ठीक है? ये सारे ब्रश ऑन के शेड्स हैं, ये सारे आई शेड्स ग्लिटर सब मिक्स हैं इसके अंदर। कर हम इसमें कोई भी ब्राउनिश या ब्राउन ऑरेंज मिक्स कलर का वो लगाएंगे, ठीक है? द
दिस वन, ये ब्राउन, ये और ये ऑरेंज टिंच, ये वाला फिलिंग एंड रोज गोल्ड, ये दोनों कलर्स, ये और ये वाला मिक्स करके लगा, ठीक है। ब्रॉ बोन के ऊपर इस वाले, ये इस एंगल से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक ले आएंगे, बिल्कुल फुल ऊपर नहीं ये, लेकिन यहाँ तक लेके आएंगे। और इसे आउटर कॉर्नर की तरह पैक करते हैं, अगर आपका मतलब इट्स योर चॉइस। मैं इसके बिल्कुल हाल ही इस पर लिस्टिव ग्लिटर ऐड करूँगी लास्ट के। इसको आउटर कॉर्नर की तरफ बात देखें, इनर और आउटर कॉर्नर की तरफ बैक की तरफ बिट का ये पार्ट आपने छोड़ देना, ठीक है, ये इस साइड पर देखें, ठीक है, बाहर की तरफ। उसके बाद डार्क ब्राउन कलर हम इसके कॉर्नर पे ऐड करेंगे, ठीक है, ये वाला या ये वाला, ठीक है, इट्स योर चॉइस। मैं ये वाला मिक्स करके लगा दोनों को, देखें हल्का सा कॉर्नर ये डार्क हो गया, ठीक है। उसके ऊपर हम ये वाला ग्लिटर ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ इस साइड इनर कॉर्नर की तरफ। 3D हाइलाइटर लिटर्स हैं ये, एज अ हाइलाइटर भी यूज़ हो सकते हैं और ग्लिटर भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डल हो गया कलर, दिस वन इज ये आंख की ये मिड वाली साड़ी, इस पर लगा हल्का सा पानी लेके फिंगर टिप के ऊपर, ये वाला वैसे इसके ऐड, ये और ये कलर दोनों ऐड किए, ठीक है। वाला ब्रश लेके ये जो ब्लैक शेड है इसको हम एज आईलाइनर यूज करके थोड़ा हल्का ब्लेंड कर देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिल्कुल फिल कॉर्नर तक नहीं, यहाँ से स्टार्ट करके इससे हम इसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है। यही शेड जो हमने कॉर्नर पर लगाया था ये, इसको इस उंगली पर लेंगे ऐसे, जो नीडल वाली वाटर लाइन है उसको यहाँ पर लगा, अंडर आइन लगाएंगे, अंडर आइन करके
शाइन चेक करें जरा, बहुत ज़बरदस्त है, लॉन्ग लास्टिंग, वाटर प्रूफ, अमेजिंग अमेजिंग। बट ये इस दफ़ा ये फिनिश हो गया, ये मैंने न्यू लिया। अरे ये ठीक है, देखें इसका वॉन चेक करें है हल्का, बट बहुत मज़े की फीलिंग है इसकी। ठीक है फिर लैशेज की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, वैसे ही ज़रूरत नहीं है। इनर कॉर्नर की तरफ लग गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा सा ड्राई होगा, उसको हम कॉटन बट की मदद से इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब शाइन देखें इसकी, फेस वगैरह की शाइन आप चेक करें, बहुत ज़बरदस्त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना। मेरा मतलब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ फॉर इट, लुक आई एम श्योर यू विल लव इट।